नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सृजन पर। तो आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय MA हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, सात वाहनों ने हल को दक्कन में परिचय कराया और इसके बजाय हल ने सात वाहनों को दक्कन से परिचित किया, किसने कहा? तो इसका आंसर होगा डी, डीडी कौशाम्बी। दक्षिण भारत के साथ रोमन व्यापार के साक्ष्य विद्यमान है, तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4, चारों ऑप्शन ठीक है। यूनानी रोमन शास्त्रीय वृत्तांत, अरिक मेडू और अन्य स्थानों के पुरातात्विक साक्ष्य, तमिल संगम साहित्य और दक्षिण भारत के रोमन सिक्के, सभी उत्तर ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा को कितने किन से जीता? विजयनगर के शासकों से, आदिल शाहियों से, सिलहरों से, मराठों से? तो इसका आंसर होगा बी, आदिल शाहियों से। अशोक का 13वां शिलालेख कहाँ नहीं मिले हैं? तो धौली, चौगढ़, गिरनार, सन्नति? तो इसका आंसर होगा सी, धौली, चौगढ़ और गिरनार, सन्नति में नहीं मिले। हिंदी पॉलिटी नामक प्रभावशाली पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा बी, केपी जायसवाल। विश्व इतिहास में वास्को डिगामा के दौर की अवधारणा में किसका योगदान है? तो इसका आंसर होगा बी, के एम पनिक्कर। इनमें से कौन तीन द्रविड़ आंदोलन का हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा डी, ईवी रामास्वामी नायकर, सी एन अन्नादुरई और सी नतेसा मुदलिर। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत संबंधित है, ए 1857 का विद्रोह, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी 1907 में कांग्रेस का विभाजन, डी भारत का विभाजन। तो इसका आंसर होगा बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। गांधी एंड एनार्की के लेखक है सर सी शंकरन नायर, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, ई एम एस नमोदरी पाद? तो इसका आंसर होगा ए, सरसी संकरन नायर। जवाहरलाल नेहरू की गांधी इरविन समझौता पर क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका आंसर होगा बी, उन्होंने इसे धोखा समझा। कांग्रेस मंत्रालयों ने 1939 में इस्तीफा क्यों दिया? इसका ऑप्शन है ए, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में खींचने के विरुद्ध में, बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के दबाव के कारण, सी क्योंकि मुस्लिम लीग ने समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी, डी क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद थे। तो इसका आंसर होगा ए, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में खींचने के विरोध में। किसने कहा था भारत को अराजकता और ईश्वर पर छोड़ दो? तो इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में मोतीलाल नेहरू से अध्यक्ष के रूप में उत्तराधिकार लिया? ए लाहौर, बी अमृतसर, सी पटियाला, डी त्रिपुरी? तो इसका आंसर होगा ए, लाहौर। आखिरी बार जवाहरलाल नेहरू ने कब अधिवक्ता का कोट धारण किया? तो इसका आंसर होगा सी, INA बंदियों की सुनवाई। देवगिरी का दौलतावाद के रूप में पुनः नामकरण किसने किया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद तुगलक, सी अकबर, डी औरंगजेब? तो इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद तुगलक। वॉरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध दोषारोपण के मामले की शुरुआत के लिए कौन
मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? तो ऑप्शन है ए विलियम पिट, बी रॉबर्ट पिट, सी जॉन स्टुअर्ट मिल, डी एडमंड बर्क। तो इसका आंसर होगा डी एडमंड बर्क। परिभाषित शब्द अखलाक उद्धत करता है, तो इसका आंसर होगा सी नीति परक आलेख। इस्लामिकेट शब्द दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा डी समाज जो इस्लामी संस्कृति से प्रभावित है न केवल धर्म से। मराठा राजनीति की समझ के लिए केंद्रीय विचार के रूप में आंद्रे विंक द्वारा निम्न में से कौन सी अवधारणा विकसित की गई? तो इसका आंसर होगा बी फितना। क्वेश्चन नंबर 84 में है, मैच करना है। तो इसका होगा सी, ऑप्शन सी होगा इसका। ए का थर्ड गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु आनंद, बी का फोर्थ लंगर की संस्था गुरु अमरदास, और सी का सेकंड है गुरु ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जन, और डी का फर्स्ट अकबर द्वारा अमृतसर में हर मंदिर के लिए भूदान, इसका है गुरु रामदास। तो ऑप्शंस में से सी होगा। 85, इनमें से कौन अकबर के दरबार में पहले जेसुइट मिशन के प्रतिनिधि थे? तो इसका आंसर होगा बी थर्ड और फोर्थ। रजमनामा किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र, महाभारत, रामायण, कथा सरित सागर। तो इसका आंसर होगा बी महाभारत। दिद्धा जो कश्मीर की रानी थी उनका शासन काल था, तो इसका होगा डी 10वीं शताब्दी। आमेर जयपुर राज्य के शासक थे? ए भाटी, बी राठौड़, सी कछवाहा, डी सिसोदिया। तो इसका आंसर होगा सी कछवाहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्पार्टाकिस्ट विद्रोह कहाँ हुआ? रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो इसका आंसर होगा सी जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस का वह भाग जो नाजी शासन के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, तो इसका आंसर होगा बी विची फ्रांस। यूएस के संदर्भ में सीमांत थीसिस का प्रतिपादन किसने किया? ए रॉबर्ट ब्रेनर, बी फेडरिक जैक्सन टर्नर, सी हावर्ड जिन, डी पॉल स्विजी। तो इसका आंसर होगा बी फेडरिक जैक्सन टर्नर। इनमें से कौन अमेरिकी राज्य संघ का हिस्सा था? तो इसका आंसर होगा सी साउथ कैरोलिना। इनमें से किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का शीर्ष चरण बताया? तो इसका आंसर होगा सी बी आई लेनिन। अंकोर वाट मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, लायोस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा सी कंबोडिया। सुवर्ण द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा सी इंडोनेशिया। इनमें से किन विद्वानों ने बंगाल में डच ईस्ट इंडिया कंपनी पर शोध कार्य किया है? सुशील चौधरी और ओम प्रकाश, इरफान हबीब और तपन राय चौधरी, के एन चौधरी और पीजे मार्शल, मुजफ्फर आलम और संजय सुब्रमण्यन। तो इसका आंसर होगा ए सुशील चौधरी और ओम प्रकाश। जीवत्सु क्या है? तो इसका आंसर होगा सी जापान के शक्तिशाली पूंजीवादियों का समूह है। रूस जापान के 1904-5 के युद्ध का एक मुख्य परिणाम था।
मंचूरिया पर जापान का आधिपत्य, चीन पर जापान का आधिपत्य, कोरिया पर जापान का आधिपत्य, इंडो चीन पर जापान का आधिपत्य। तो इसका आंसर होगा सी, कोरिया पर जापान का आधिपत्य। कंगवा 1854 की संधि किनके बीच हुई थी? जापान और यूएसए, जापान और यूके, जापान और चीन, जापान और रूस। तो इसका आंसर होगा ए, जापान और यूएसए ए। भीमबेटका और लख ओजार के पुरास्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सी, शैलकला। धन्यवाद।